फैले नीले आसमान के तले, खुलकर बेफिक्री से कभी भी कहीं भी आती जाती बहन बेटियां, बुरी नजर के डर से अनजान, एक कली की तरह समझी और दुलार से रखी जाने वाली बहन बेटियां, घर की लक्ष्मी, समाज की मर्यादा, बाप और भाई का गुरूर समझी जाने वाली बहन बेटियां। जी हां, ऐसी ही थी हमारी दुनिया, हमारा समाज, हमारी सोच, हमारे आदर्श। पर अब हवस भरपूरी करने का सामान समझी जाती हैं ये बहन बेटियां। हर रोज हर पल भेड़ियों की परवान चढ़ जाती हैं ये बहन बेटियां। कभी गला रेत कर तो कभी चलती गाड़ियों से फेंक कर मार दी जाती हैं ये बहन बेटियां। हर रोज नंगी मानसिकता के आगे अक्सर हार जाती हैं ये बहन बेटियां। घर से बाहर महफूज रहना अब पुरानी बात हुई, अब तो बंद कमरे में अकेले भी सहम जाती हैं ये बहन। अब तो इज्जत बचाने के खातिर खुद ही रक्षक बन रहना पड़ता है, कभी किराए के रक्षक तो कभी गैजेट्स पर भरोसा कर जीना पड़ता है। और जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है उन्हें छुरी और जहर साथ लेकर चलना पड़ता है। Diva, I have checked all your reports. And again, everything is normal as per the reports. पर मैं तुम्हारे इस डर को समझ सकता हूं। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं है। I am getting so many other girls cases, जो तुम्हारी तरह इसी डर के साथ जी रही हैं कि कहीं कोई उनका रेप ना कर दे, कहीं कोई उन्हें अपनी लस्ट के चलते इस्तेमाल करके मार ना दे। But you need to be brave, Diva. Otherwise, इस डर के साथ जीने से you will break down your heart. Or brain someday. What should I do, doctor? All girls and women are helpless in today's world. हम कहीं जा नहीं सकते, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते. ऑफिस में, मॉल में, मूवी थिएटर में, where are we safe? हमेशा एक अजीब सा डर दिमाग पर हावी रहता है. हमेशा हर किसी पर एक शक सा बना रहता है. टीवी ऑन करो तो टीवी में सिर्फ रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, मर्डर आफ्टर रेप की ही न्यूज होती है. अब तो बस यही लगता है कि मैं इसीलिए जिंदा हूं क्योंकि किसी रेपिस्ट की मुझ पर अब तक नजर नहीं पड़ी. नो 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 डिवा, प्लीज
don't think like this. हाँ, आज conditions bad than worst हो चुकी हैं. But अगर ऐसी सोच और डर के साथ हम जीते रहेंगे, तो इन नपुंसकों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? Please for God's sake, खुद को संभालो. Hi Diva, where are you? You remember, we are meeting up today. Oh, hi Kayla. Sorry yaar, I forgot. I think I won't be able to come. Hey, what happened dear? You are sounding so tensed. Nahi yaar, kuch nahi, bas aise wahi sab dreams and all. Just met up with the doctor. Coming back home, I think I need rest. Oh dear, tum in sab cheezon ke bare mein jitna sochogi, utna zyada tensed hogi. I think we should meet and talk. I'm coming to your place. No, it's okay. You carry on with your plan. We'll meet up on the weekend for sure, okay? Okay. You please take good care of yourself. And we will surely meet on Saturday. All okay. right? Okay. Bye-bye. Namaskar. Prime Time में आपका स्वागत है. अभी-अभी खबर आई है, दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक लड़की के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई. लड़की की पहचान कायला नाम से हुई है. कायला दिल्ली के ग्रीन पार्क की रहने वाली थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हत्या और बलात्कार के पीछे 4 से 5 लोगों के होने की आशंका है. पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी. Da da da.
ये लो माता जी अपना सामान। माता जी आपको यहाँ पहली बार देख रहा हूँ, आप नई नहीं आए हैं क्या? बहुत अब हो चुका जो